नमस्कार प्रणाम करता नहीं भोजपुरी देखे वाला सारा श्रोता लोग के, भोजपुरी सुने वाला सारा दर्शक लोग के, और स्वागत बा रउआ सब के हमारा अपन खास प्रोग्राम भोजपुरिया गॉसिप से। बता दी हर दिन के भांति हम आज भी अपना एक खास प्रोग्राम है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ ताजा तरीन खबर रउआ लोग खातिर लेके आ चुकल बानी। तो चलिए बिना देरी करते हुए भी फटाफट अपना खबर के तरफ बढ़ते नहीं। जी हाँ, बता दी कि आज के हमारा पहला खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते सितारे कहे जाए वाला प्रदीप पांडे और चिंटू जी से बाटे। यानी बता दी कि चिंटू के एगो फिल्म रिलीज भई रहा जो फिल्म के नाम रहा मंदिर वहीं बनाएंगे। वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रहा बाटे और मुंबई में ओकर बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिलल बाटे। बता दी अगर चिंटू के बारे में बात करते हैं तो चिंटू बहुत ही बचपन से एक्टिंग पर उतर गए अपना पिताजी के साथ है। उनका पिताजी जब पिताजी के साथ है वो भी जास सेट पर और देख देख के एक्टिंग वगैरह सीख ले ओकरा बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में जब एंट्री कर ले तो काफ़ी ज़्यादा धमाल मचे ले, लोग इनके के पहचाने लगल, लोग जाने लगल। एक वजह से चिंटू आज करोड़ों लोग के दिल पर राज करता रहे अपना एक्टिंग के दम पर, अपना डांसिंग के दम पर और अपना लुक के दम पर। तो चलिए एक नज़र डाली हम लोग खास खबर के तरफ कि आखिर चिंटू के फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे कि रिस्पॉन्स कितना जबरदस्त रहा और का रहा। भोजपुरी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे आज मुंबई और गुजरात के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को यहाँ शानदार ओपनिंग मिली। एक बार फिर से चिंटू के फैंस ने उन्हें सर आँखों पर बिठा लिया है। पहले दिन फिल्म को मिले रिस्पॉन्स पर ट्रेड पंडितों की माने तो चिंटू की फिल्म का इंतजार बॉक्स ऑफिस पर बेसब्री से होता है। ऐसे में पहले दिन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, लोगों की भीड़ सिनेमाघरों में देखने को मिल रही है। वीकेंड में इस फिल्म का कारोबार और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। चिंटू के अपने दर्शक वर्ग के अलावा भोजपुरी के सभी दर्शकों के लिए भी ये फिल्म एंटरटेनिंग हो सकती है, जैसा फिल्म देखकर सिनेमाघरों में निकले दर्शक बता रहे हैं। तो वहीं चिंटू ने अपनी फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे के पहले दिन के रिस्पॉन्स पर खुशी जाहिर की और कहा कि फिल्म बहुत बेहतरीन है, इसलिए मेरी अपने फैंस के अलावा भोजपुरी के दर्शकों से अपील है कि वो ज़रूर इस फिल्म को देखें, बहुत मज़ा आएगा। फिल्म की कहानी, गाने, डायलॉग्स, एक्शन बहुत अलग है जो दर्शकों को एंटरटेनमेंट दुगना करेंगे। हालाँकि मुंबई के कुछ सिनेमा सेंटरों में, एक या दो सिनेमा सेंटरों में चिंटू की फिल्म वंचित रह गई है और वहां रिलीज नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द उन सिनेमा घरों में भी चिंटू की ये फिल्म दिखाई देने वाली है। फिलहाल चिंटू अपनी फिल्म विवाह की शूटिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माता प्रदीप सिंह हैं और निर्देशक मंजुल ठाकुर हैं। फिल्म में उनके साथ आकांक्षा अवस्थी भी नजर आएंगी और संचिता बनर्जी भी। सभी इन दिनों फिल्म की शूटिंग में लगे हैं और व्यस्त हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जैसे कि रोलो देखनी है लो कि चिंटू के फिल्म में मंदिर वहीं बनाएंगे कि रिस्पॉन्स का रहल का ना रहल। चलिए वहीं बढ़ता नहीं आज के अपन दूसरा का खबर के तरफ। जी हाँ, बता दी कि आज के दूसरा का खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाए वाला दिनेश लाल यादव जी से जुड़ल बाटे। जी हाँ, दिनेश लाल यादव के फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो चुकल बाटे, जौना के काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर लोग पसंद करता और रिस्पॉन्स भी अच्छा दिले बाटे। बता दिए आखिर उनका कोना फिल्म के ट्रेलर रिलीज भेल बा, तो बता दिए कि फिल्म के नाम बाटे उनका शेरे हिंदुस्तानी। वो फिल्म के ट्रेलर लेके आ चुकल बड़े दिनेश लाल यादव यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करता। तो चलिए आखिर उनका ट्रेलर से जानकारी कुछ लेवे खातिर, आखिर वो फिल्म कब तक लेके आता है बॉक्स ऑफिस पर, ये सब की जानकारी खातिर एक नज़र डाली हमारे खास खबर की तरफ। भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की मोस्ट अवेटेड फिल्म शेरे हिंदुस्तान का ट्रेलर आज फाइनली सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। होली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार। वर्ल्ड वाइड चैनल से इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं मनोज नारायण। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव के अलावा आयुष रिजल, नीता धुंगुना, सुनील थापा, संतोष पहलवान और अमित कुमार नजर आएंगे। ट्रेलर 4 मिनट 11 सेकंड का है। देशभक्ति के डायलॉग से ट्रेलर की शुरुआत होती है। जख्मी हालत में निरहुआ दिखाई देते हैं, उसके बाद करो या मरो के नारे से शुरू होता है निरहुआ का जबरदस्त एक्शन। इस फिल्म में निरहुआ फौजी के किरदार में दिखाई देंगे तो वहीं सिविल ड्रेस में दुश्मनों से दो दो हाथ करते नजर आएंगे। फिल्म में सब कुछ नया देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि आधे से ज्यादा दर्शकों ने ट्रेलर को देखने के बाद बॉलीवुड फिल्म से इस फिल्म की तुलना की है तो किसी ने बॉलीवुड से भी ऊपर इस फिल्म को करार दिया है। इस फिल्म में तीर और गोलियों को हाथ से पकड़ते नजर आएंगे निरहुआ। निरहुआ के इस कमाल के एक्शन के पीछे हाथ है एक्शन मास्टर रोशन श्रेष्ठा का।
नेपाल के खूबसूरत लोकेशंस पर हरियाली, झील और फिल्म में देखने को मिलेंगे शानदार लोकेशंस। तो वहीं भोजपुरी से ज्यादा इस फिल्म में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। भ्रष्ट सिस्टम से लड़कर निरहुआ इस फिल्म में कुछ मैसेज भी देंगे। विलन के किरदार में सुनील थापा नजर आ रहे हैं, जो नेपाल के ही रहने वाले हैं। नीता और निरहुआ की इमोशनल प्रेम कहानी के बीच ट्रेलर में सुनाई दिया एक रोमांटिक सॉन्ग आपका दिल जीतने में समर्थ रहेगा। इस गाने के बोल हैं, प्रेम प्याला खाली बा भर जाए द, अखियां के दरिया में डूब के तर जाए द। इस फिल्म के गानों में आवाज दी है दिनेश लाल यादव, प्रियंका सिंह, अविक चटर्जी, नीलकमल सिंह, मधुकर आनंद, परावल रंजन, मोहन राठौर, समिता चंद्रा, सलोनी ठाकुर। फिल्म में कुल 5 से 7 गाने हैं। हालांकि ट्रेलर में सिर्फ 1 या 2 गाने को सुनने को मिले हैं, पूरी फिल्म के ट्रेलर को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म पर अच्छा खासा खर्च भी किया गया है। घोड़े पर एक्शन और निरहुआ का वो रूप जो अभी तक उनके निरहुआ फिल्म की लीक से भी हटकर बना है। इस फिल्म में सभी को उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का इंतजार भी दर्शकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंतजार होगा पूरा होली के मौके पर, क्योंकि ये फिल्म रिलीज होगी होली के मौके पर सिनेमाघरों में। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जैसे कि लोग देख रहे हैं कि निरहुआ की फिल्म के ट्रेलर कितना रिस्पॉन्स लोग दे ले बटे, कितना लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्यार भी करता है। चलिए वही बढ़ता नहीं आज की अपन तीसरा खबर की तरफ। जी हाँ, बता दी कि आज के तीसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज तिवारी से जुड़ल बटे। बता दें अभी तो फिलहाल में मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो फिल्म उलम नहीं करत, नेतागिरी में उतर गल बने, यहाँ पे चुनाव उनाव के लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी पड़ा। लेकिन वीर अभिनंदन के घर वापसी के लेकर के मनोज तिवारी बहुत ही बड़ा फैसला ले बड़न, यानी बाइक रैली कर रहा बड़न। तो चलिए एक नज़र डालिए एक खास खबर के तरफ कि आखिर मनोज तिवारी बाइक रैली कहाँ से स्टार्ट करता रहे और कहाँ तक ये रैली के लेके जाता रहे। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी के बाद हर कोई खुशी जश्न मना रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी में गजब की खुशी की लहर दिखाई दी और इस खुशी को जन जन तक पहुंचाने के लिए मनोज तिवारी यानी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी मृदुल ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है और आज वो बाइक रैली करने वाले हैं, जिसकी जानकारी लाइव आकर उन्होंने खुद दी। क्या कहते हैं मनोज तिवारी इस खुशी पर, आइए हम सब जान लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हे गर्वित माँ के अभिनंदन, वीर सपूत तेरा अभिनंदन है, पूरा देश कह रहा है। और अब हम सभी सड़कों पे निकल जाते हैं, जिस जिस जिले में जो जो टाइम है। आज बीजेपी की बाइक रैली है जो इस देश के शौर्य को, पराक्रम को, अभिनंदन के वापसी को और नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों को सैल्यूट करते हुए हम सब बाइक रैली पर निकल रहे हैं। मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। थोड़ी देर में मैं अपनी लोकसभा के यमुना पार में गोंडा क्षेत्र से मैं बाइक रैली शुरू करूंगा स्वयं, और अगले 2 घंटे तक हम लोग भारत माता की जय, गर्वित अभिनंदन स्वागत, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत की 130 करोड़ लोगों की भावना के साथ हम सब बाइक पे होंगे। आप सब जल्दी तैयार होकर निकल जाइए और अपनी फोटो भी भेजिएगा ताकि मैं भी देख सकूं और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दिखा सकूं। जय हिंद। जैसे कि लोग देखने लोग मनोज तिवारी बाइक रैली कर रहा बड़ा और बहुत ही लोग उनका रैली में साथ दिलवा, रैली में साथ निभाता। कैसे वीर अभिनंदन के वापसी भैया पर रैली कैले बड़न और वीर अभिनंदन खातिर पूरा देश एकजुट हो गई रहा सब। चलिए वहीं बढ़ता नहीं आज के अपन चौथा खबर यानी लास्ट खबर के तरफ। बता दें कि आज के चौथा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते सितारे कहे जाए वाले प्रदीप पांडे और चिंटू से बांटे। बता दें कि मुंबई में दिनेश लाल यादव निरहू और प्रदीप पांडे और चिंटू के फिल्म एक साथ भिड़ल बांटे और दोनों जने के टक्कर भैल बटे, जौना के वजह से पब्लिक के का रिस्पॉन्स आइल बटे। पब्लिक वहाँ के का कहले भैया चिंटू के बारे में, पब्लिक का कहले भैया दिनेश लाल यादव निरहू के बारे में। ये सब की जानकारी खातिर एक नज़र वो लोग डाले के पड़ी हमारे खास खबर के तरफ।
भोजपुरी इंडस्ट्री के युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू स्टारर फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे गुजरात और मुंबई के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का प्रमोशन लाइव आकर प्रदीप पांडे चिंटू अपनी नई हीरोइन आकांक्षा अवस्थी के साथ देखे गए थे। काफी लंबे समय के बाद चिंटू की कोई फिल्म मुंबई गुजरात में रिलीज हुई है, क्योंकि वहाँ के दर्शकों को बहुत इंतजार था चिंटू की फिल्म का। अब ऐसे में काफी सारे लोग पहुंचे मुंबई के फेमस भोजपुरी फिल्मों का सिनेमा घर नवरंग सिनेमा देखने के लिए। जब चिंटू की फिल्म दर्शक उस सिनेमा घर में गए तो पता चला कि चिंटू की फिल्म लगी ही नहीं है। चिंटू की जगह मुंबई के सिनेमा घर में लगा दी गई है निरहुआ की पुरानी फिल्म में पाखी हेगड़े नजर आ रही है। निरहुआ की करीब 10 साल पुरानी ये फिल्म है, जिसमें पाखी हेगड़े और निरहुआ दिखाई दिए हैं। हालांकि निरहुआ का फिल्म का नाम चेंज करके रिलीज किया गया है, मवाली नाम से इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया है 10 साल बाद। और निरहुआ की फिल्म के कारण ही चिंटू की फिल्म नवरंग सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो पाई है। लेकिन आप लोग मत कीजिए बिल्कुल भी चिंता, क्योंकि निरहुआ के इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद चिंटू की फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे नवरंग सिनेमाघर में भी रिलीज हो जाएगी। जैसे कि रोलो देखने के लोग, आखिर चिंटू के ऊपर पब्लिक क्या कर ले भी है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ के ऊपर पब्लिक के क्या रिस्पॉन्स आई बट है। तो ऐसे ही बना रही हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के साथ है, और हमारे चैनल ही भोजपुरी इंडस्ट्री के पल पल के खबर रघुआ लोग के सामने देते रह ले। और आज लेके आई भैया, कल फिर लेके आई भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा ही कुछ ताजा तरीन खबर रघुआ लोग के सामने रघुआ लोग बताए खातिर ओकरा खातिर रघुआ लोग हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब जरूर करें लोग, और बेल आइकन के दबाव बिल्कुल ना भूलें लोग। अगर बेल आइकन के रघुआ लोग ना दबाएं तो पल पल के खबर रघुआ लोग पास ना जाए, अगर जाए तो बहुत समय के बाद रघुआ लोग के मिले। ऐसे पहले बेल आइकन दबाओ बिल्कुल ना भूलें लोग, और हम लोग दे इजाजत कैसे कल फिर हम लेके आए भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ ऐसी ही ताजा तरीन खबर। नमस्कार।